बीजेपी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय पर झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की भी बधाई दी। पार्टी के स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय पर पार्टी का झंडा फहराया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बीजेपी के स्थापना दिवस की बधाई दी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी है, इसके लिए पार्टी ने लंबा सफर भी तय किया है। सीएम खट्टर ने बताया कि एक समय था जब साल 1994 में लोकसभा में बीजेपी के मात्र 2 सांसद थे। अप्रैल सन 1980 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पहला स्थापना दिवस था जब पार्टी का की नींव रखी गई, और आज 6 अप्रैल 2023 43 साल का सफर भारतीय जनता पार्टी का। बहुत कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को वहां से शुरू होकर और आज इस लेवल पर पहुंचाया है। आज दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ये बनी है, और इस पार्टी ने इतना सफर जो तय किया है, समय समय पर बहुत से उतार चढ़ाव भी आए। एक समय था 1984 में मात्र 2 लोकसभा की सीटें थी, और फिर एक समय ऐसा आया कि देश में सबसे बड़ी पार्टी बन करके पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी। मनोहर लाल खट्टर ने आगे कहा कि आज केंद्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। सीएम मनोहर लाल ने इसके अलावा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी की सभी योजनाओं, नीतियों और विचारों को जनता तक पहुँचा रही है। सीएम खट्टर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हमारी बात को, विचारधारा को जनता के बीच लेकर जाते हैं। जनता की जो कठिनाइयां हैं, वो उन्हें कार्यकर्ताओं को ज्यादा पता होती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने अधिकारियों को कहा है कि हमारे कार्यकर्ता जो समस्याएं लोगों की बताए उनको सॉल्व करें। मोदी जी उन सब योजनाओं को, नीतियों को, विचारों को जनता तक पहुँचा रहे हैं। खास करके अंत्योदय के भाव से गरीब जनता जो नीडी है, जरूरतमंद है, जो वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जातियों के हिसाब से हो चाहे क्षेत्र के हिसाब से हो, जो पिछड़े हुए हैं उन सबको और एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। आज मैं बहुत संतोष से कह सकता हूं। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मैं साल 1994 में बीजेपी का संगठन मंत्री बना था। उस समय पार्टी की शक्ति बहुत सामान्य सी थी। उस वक्त हमारा बहुत बड़ा अनुभव नहीं था। आज हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि आज हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के जरिए हमें जनता तक पहुंचना चाहिए। देखिए, मैं स्वयं हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री 1994 में बना था, और 94 के अंदर पार्टी का जो उस समय स्थिति हमारी थी, बहुत सामान्य स्थिति थी। कहीं हम राजकाज में नहीं थे, कहीं हमारा बहुत बड़ा ऐसा अनुभव नहीं था। पार्टी की अपनी जो स्थितियां थी, चाहे कार्यकर्ताओं की हों, चाहे रिसोर्सेज हों, बहुत सामान्य थे। हमने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया, और शक्ति केंद्रों की जो आज रचना दिखाई दे रही है, वो हमने उस समय शुरू की बूथ की। बहरहाल इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।